अभी एक क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा बोले तो शरण आईटी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा नहीं करेगा। हम जीतने के बाद कुछ करप्शन भूख आ रहे और जात पात कर रहे हैं, कम्युनलिटी ये कर रहे हैं, सर्विस अच्छा नहीं दे रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं बोले तो आप हमारा को हमारा एमएलए पद से नीचे उतारने का राइट आप पब्लिक को दे रहे हैं। आप लोगों को खरीदना चाहते हो लोग, आप लोगों को खरीदना पैसे देख के और गिफ्ट आइटम दे के खरीदना चाहते हैं और दारू पिला के वोट खरीदना चाहते हैं। फाइट आप सभी तीन पार्टी के बड़े कर्नाटक तीन पार्टी के ऊपर ही है मेरा करप्शन। मैं नया आ सकता हूँ, मेरा ईमान आपको बेच नहीं सकता हूँ बोल के मैं क्लियरली बोल के डिनाई किया हूँ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। कलबुर्गी समस्त नागरिक और कलबुर्गी का आवाम को शरण आईटी का नमस्कार और सलाम। कल के दिन कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ है। सो है कब बोले तो 13 तारीख नोटिफिकेशन होगा कर्नाटक असेंबली इलेक्शन का और 20 तारीख तक नॉमिनेशन डालना और 23 को स्क्रूटनी, 24 को विड्रॉल और 10 तारीख का इलेक्शन है, 12 तारीख का काउंटिंग है। सो मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं शरण आईटी होके बहुत सारे काम किया हूँ कलबुर्गी सिटी में। एग्जाम्पल करप्शन के अगेंस्ट बहुत होराट किया, वो छोड़ के भी लास्ट मंथ शू सॉक्स का किया था मैं। वो शू सॉक्स गुलबर्गा एंटायर सिटी में किनका किनका बच्चे का शू सॉक्स फटे थे ना, वो पूरा नया दिए, ये हमारा होराट का प्रतिफल है। वो छोड़ के भी 7 डिस्ट्रिक्ट में करीब 3 लाख लोगों का नया शू सॉक्स का वेरिफिकेशन करके किनका किनका फटे ना उनको नया दिला रहे। और BRC ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, CRC लेवल तक क्लस्टर रिसोर्स पर्सन से भी पूरा इंक्वायरी होके वो इशू को जांच होके इन्वेस्टिगेशन करके कौन कौन शामिल है ना उनको सस्पेंड करने का भी कमिश्नर एजुकेशन कमिश्नर मैडम ने हमारे को भरोसा दिया है। वैसे हम बहुत कुछ काम किए अब तक गुलबर्गा सिटी सिटीजन के लिए। अभी एक क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा बोले तो शरण आईटी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा नहीं करेगा बोल के ये पब्लिक में क्वेश्चन आ रहा, मुझे फ़ोन करके भी पूछ रहे, SMS कर रहे और कहाँ भी मैं बाहर जा रहा हूँ ना पूछ रहे। इसलिए सब के आवाम के बीच में मैं आज आया हूँ, बताना चाहता हूँ मेरा इसके ऊपर क्या व्यू है बोल के। हम कल सभी डिस्कस किए वेल विशर्स, शरण आईटी का वेल विशर रंदेव हमारा पहले पुराने फ्रेंड्स बोले तो मार्गदर्शक फ्रेंड्स सब मिलके डिस्कस किए। सो है सबका कहना क्या है बोले तो 5 साल को एक बार इलेक्शन आता, हारना जीतना दोनों रहता इलेक्शन में, हम लड़ेंगे, हमारा जुनून बताएंगे, हम करप्शन के अगेंस्ट कितना फाइट कर सकते, हम लोग कैसा है और हमारा टीम कैसा है, हम क्या कर सकते बोल के इसके लिए आपका बीच में मैं आया हूँ। और मेरे को नेशनल पार्टीज कर्नाटक के टॉप 3 पार्टीज है ना, वो 3 पार्टी का मुझे बुलाए थे बोले तो आपको ज्वाइन हो जाओ हमारा पार्टी में बोल के सभी मिल के बोले। फिर मैं बोला उनको सीधा सीधा मैं नहीं आता हूँ, क्यों बोले तो मेरा फाइट आप सभी तीन पार्टी के बड़े कर्नाटक तीन पार्टी के ऊपर ही है मेरा करप्शन। मैं नया आ सकता हूँ, मेरा ईमान आपको बेच नहीं सकता हूँ बोल के मैं क्लियरली बोल के डिनाई किया हूँ। वो छोड़ के अभी सभी हमारा वेल विशर बोल रहे हम कौन सा पार्टी से कंटेस्ट करेंगे क्या करेंगे बोल के। हमारे को वो तीनों पार्टी बड़ा पार्टी छोड़ के भी अलग अलग पार्टी से भी हमारे को क्या बोल रहे हमारा बी फॉर्म दे तू बोल के एक 3-4 पार्टी हमारे को कांटेक्ट करके बताए सो है। उसके लिए हम अभी सोच विचार में है कि कौन सा पार्टी कंटेस्ट किया तो कैसा रहेगा और वो पार्टी नॉन करप्ट रहना है, एक अच्छा पार्टी रहना है, उसमें फैमिली पॉलिटिक्स नहीं रहना है और करप्शन नहीं रहना है और पब्लिक का सेवा में उनका सेल्फ इन्वॉल्व होना वो पार्टी रहना है बोल के मैं बताना चाहता हूँ। वो छोड़ के भी हमारे को गुलबर्गा में कई लोग बोले आप इलेक्शन कंटेस्ट करो, आपको क्या क्या रिसोर्स लगता इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग के लिए पोस्टर लगता, बैनर लगता, ऑटो लगता ना, वो सभी हम खर्चा उठाते हैं आपका, आप कंटेस्ट करो, आप 1 रुपये भी पैसा जेब से मत डालो, हम सब मिल के इलेक्शन करेंगे बोल के। वो क्यों बोले तो वो लोग बोलते आपका जेब से 1 रुपये भी खर्चा नहीं किया ना, आप जीत के आने के बाद
आपका सोच रहेगा पब्लिक का सेवा करने के लिए, सोसाइटी में क्या इश्यूज रहता ना उसके ऊपर काम करने का सोच रहेगा, वो छोड़ के पैसा कमाने का सोच नहीं रहेगा। क्यों बोले तो आप एक रुपए भी जेब से खर्चा नहीं किए सो रहता, आपको आस नहीं रहता बोल के क्लियरली वो लोग बताए हमारा वेल विशर्स फ्रेंड्स। वो छोड़ के भी आज के दिन में नॉर्थ में कैसा चल रहा पॉलिटिक्स बोले तो कांग्रेस भी फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा और बीजेपी भी फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा। हाँ, बाप बेटे बोल रन दो, हम हस्बैंड वाइफ रन दो, हाँ ब्रदर्स रन दो, ऐसा पूरा पॉलिटिक्स फैमिली पॉलिटिक्स चल रहा। वो लोगों का क्या है बोले तो एक बिजनेस सरकार चल रहा, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ खर्चा करना इलेक्शन में और 100 करोड़ कमाओ, 200 करोड़ कमाओ, 500 करोड़ कमाओ बोल के ये सीधा सीधा उनका बिजनेस चल रहा। आप देखे होंगे लास्ट 2018 असेंबली में बीजेपी वाले कितना खर्चा किए, कांग्रेस वाले कितना खर्चा किए, बीजेपी वाले भी कमाए, कांग्रेस वाले भी कमाए, कांग्रेस एमएलए बन के कमाए, बीजेपी वाला उनका गवर्नमेंट रही रहने के बाद डिफीटेड है बोल के उनका कई ट्रांसफर होगा उनका लेटर हेड पे, उनके एक चेयरमैन भी दिए, वो चेयरमैनशिप से भी पैसे कमाए। ऐसा करके आज के दिन में वो कहाँ तक इलेक्शन करने के लिए रेडी है बोले तो सिर्फ नोट दे के इलेक्शन करना चाह रहे हो, सबको पैसा दे के सबको, आप लोगों को खरीदना चाहते हो लोग, आप लोगों को खरीदना पैसे दे के और गिफ्ट आइटम दे के खरीदना चाहते हैं और दारू पिला के खरीद वोट खरीदना चाहते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस का प्लान है इलेक्शन आप लोगों का खरीदने का। हमारा वैसा नहीं रहेगा, हमारा नहीं है, हमारा वेल विशर्स फ्रेंड टीम सभी क्या बोले सो है, हम मटेरियल क्या बोले तो इलेक्शन को क्या क्या लगता वो हम खर्चा करेंगे, हम सब लोगों पैसा जमा करके वो खर्चा करेंगे, आपको एक रुपये भी खर्चा करने ऐसे नहीं कर देते, हम सब मिल के इलेक्शन करेंगे और हमारे पास अनपेड अनपेड वॉलंटियर रहेंगे कैंपेन करने के लिए, हम कैंपेन भी किसको भी पैसे देने वाले नहीं है, अनपेड वॉलंटियर्स रहेंगे हमारा, हमारा टीम ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, हम एकदम प्लान से इलेक्शन करने वाला है, बिल्कुल कम से कम पैसे से हम खर्चा करने वाले हैं। आगे एपिसोड में वो भी हम बताते हैं कि हमारे को एक अच्छा पर्सन अच्छा फंड्स देने का अश्योरेंस दिए सो है, हम उनको इंटरव्यू दिए सो है, वो लोग हमारा ईमान को देख के, हमारा काम को देख के, हमारा करप्शन अगेंस्ट फाइट करने का सब देख के उन्होंने हमारे को इंटरव्यू बुला के 2 घंटे का इंटरव्यू लेके उन्होंने हमारे इलेक्शन का आधा खर्चा उठाने को रेडी है, वो भी अमाउंट एक नंबर में देने के रेडी है, उन्होंने एक नंबर में अकाउंट से दे दूँ बोल के अश्योरेंस है और वो पैसे उनको अकाउंट्स कितना खर्चा हुआ कैसा हुआ बोल के भी हम हिसाब देते देना बोल के भी डिस्कशन हुआ है। और फर्दर हम एक बजट प्लान कैसे एक 10 लाख का इलेक्शन खर्चा करेंगे बोल के वैसा, उसमें हमारा सभी वेल विशर का भी छोटा छोटा 5-10 हज़ार का कंट्रीब्यूशन रहेगा और कौन एक बड़ा स्पॉन्सर है ना उनका भी रहेगा और पब्लिक का भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक का कंट्रीब्यूशन भी रहना। क्यों बोले तो सब मिलकर जुल के किए तो होता और एक नॉन करप्ट सोसाइटी बनने के लिए हम सबका क्या बोलते हैं योगदान रहेगा और हमारा सेक्युलर आइडियोलॉजी रहेगा, सेक्युलर कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें हम जात पात करने वाला नहीं है, हम सब सिटीजन है, ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी बेस्ड हम इलेक्शन करेंगे, हम कम्युनल नहीं करेंगे, जात पात का सोचेंगे नहीं, हमारे को सब एक पर्सन इस जात, हमारा जात एक पर्सन ही जात, हम कुछ जात पात का भी नहीं सोचे नहीं करेंगे और करप्शन का भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्लीन पॉलिटिक्स के तरीके पब्लिक के बीच में पहुंचना चाहते हैं और हमारे को एक अच्छा नॉन करप्ट पार्टी भी टिकट के लिए डिस्कशन किए हुए शॉर्टली हम वो भी फाइनल करके आपके बीच में आना चाहते हैं और बीच में आएंगे। सिर्फ मैं आज क्यों आया बोले तो आप सबका ओपिनियन के लिए, इलेक्शन ठहरना नहीं ठहरना और ये ऐसा हमारा डिस्कशन चल रहा, प्लान चल रहा, फंड्स का कंट्रीब्यूशन चल रहा, पार्टी का चल रहा बोल के। हाँ, वी आर ह्यूमैनिटी बीइंग ह्यूमन, वी आर लुकिंग ब्रेव बर्फ फॉर ह्यूमैनिटी बोले तो ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ करेंगे और पब्लिक के लिए करेंगे,
आवाम के लिए करेंगे, नीडी लोगों के लिए करेंगे। क्यों बोले तो हम भी एक 20-25 करोड़ खर्चा करके इलेक्शन किया ना, बाद में क्या होता, हमारा भी आस होता, हम पब्लिक का टैक्स पेड मनी रहता ना, वो आप सब दिए सो गवर्नमेंट को जाएगा, बाद में वो डेवलपमेंट का नाम से फिर वापस खर्चा करने के लिए आएगा ना गवर्नमेंट टेंडर्स, उसमें हम फिर पैसा करप्ट होके लेके आपका पैसे हम उल्टा तरीके से नहीं कमाना चाहते। इसलिए हमारा सोच है क्लीन पॉलिटिक्स करने के लिए, क्लीन इलेक्शन करने का हमारा सोच है। वी वॉन्ट टू सर्व फॉर ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन वी वॉन्ट टू सर्व एज ए पर्पज ऑफ ह्यूमैनिटी, उतना ही हमारा सोच है। हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ना, हमारा एक सोच ऐसा है, सभी गुलबर्गा के जाने माने इंटेलेक्चुअल और सभी कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, ईसाई, ऑल कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल लोग हमारा साथ में है। वो लोग क्या चाहते बोले तो हम सब मिलके क्लीन पॉलिटिक्स करेंगे, ये बार बोल के बता रहे। वो छोड़ के भी वो लोगों का लिस्ट में आगे वाले दिनों में आपको मैं बता दूंगा कौन कौन वो लोग है बोल के। वो छोड़ के भी वो लोगों का सोच क्या है और हमारा भी सोच क्या है बोले तो, हम पब्लिक का बीच में जाके इलेक्शन कंटेस्ट करते और हम जीतने के बाद वो राइट पब्लिक को देंगे। क्या राइट देंगे बोले तो, हम जीतने के बाद हम करप्शन कर रहे हैं और सही डेवलपमेंट काम नहीं कर रहे हैं और कम्युनल कर रहे हैं बोले तो, हमारा को वापस राइट टू रिकॉल बोलते उसको, क्या बोले तो रिकॉल बोले तो, हमारा रेजिग्नेशन उनके हाथ में रहेंगे। हम एक अफिडेविट बना रहे, वो अफिडेविट सब पब्लिक को जेरोक्स करके देंगे हम। क्या बोले तो, हम जीतने के बाद कुछ करप्शन घू खा रहे और जात पात कर रहे हैं, कम्युनलिटी ये कर रहे, सर्विस अच्छा नहीं दे रहे और कुछ काम नहीं कर रहे बोले तो, आप हमारा को हमारा एमएलए पद से नीचे उतारने का राइट आप पब्लिक को दे रहे, उसको क्या बोलते बोले तो राइट टू रिकॉल बोल के बोलते, वो हक आपको देंगे हम। हमारा अफिडेविट बना के सब कलबुर्गी के 294 वोटर्स को पहुंचाएंगे थ्रू व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और प्रिंटेड जेरोक्स, किनको किनको व्हाट्सएप नहीं है ना, जेरोक्स देंगे हम। हम पब्लिक का बीच में रहेंगे और पब्लिक को कॉन्फिडेंस दे के जीतेंगे, पब्लिक का सेवा करेंगे और नहीं किए तो आप हमारे को नीचे उतार सकते बोल के इतना बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।